हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2006 में बनी हॉरर एंथोलॉजी मूवी हुड ऑफ हॉरर का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं स्टेसी टाइटल। ये मूवी कुछ इस तरह की है कि आप इसे हिप हॉप हॉरर बोल सकते हो। इसमें तीन टेल्स देखने को मिलेंगी जिनके होस्ट होंगे स्नूप डॉग। तो चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एनिमेटेड तरीके से, जिसके थ्रू हमें रैप अराउंड स्टोरी दिखाई जाती है। तो ये कहानी है डेवन नाम के एक गैंग मेंबर की, जिसका राइवल गैंग के साथ कार चेस में शूट आउट चल रहा था, वो भी अपने नेबरहुड में। राइवल गैंग के लीडर लियोर को मारने में वो कामयाब हो गया, लेकिन जो गोली उसने लियोर को मारी वो सीधा उसकी खुद की छोटी बहन को जा लगी, जिस वजह से वो भी मारी गई। डेवन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अपनी बहन को मार डाला, पर आग फैलते फैलते अपने घर तक भी पहुंची जाती है। डेवन की माँ का दिल टूट चुका था, इसलिए वो बोली कि आज से तू मेरे लिए मर गया, चला जा यहाँ से, मेरा कोई बेटा नहीं है, तू तो डेविल है। डेवन को अपनी छोटी बहन दिखाई दे रही थी तो उसका पीछा करते हुए वो हुड में घूमने लगा, जिसका बुरा हाल है। नशा, भुखमरी, गैंग वॉर्स, बस यही सब चलता है, सब इसी में उलझे हुए हैं। फिर अपनी बहन के पीछे पीछे चलते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर उसे लियोर मिला, लेकिन अब वो इंसान नहीं था, एक डीमन बन चुका था। डेवन उसके आगे टिक नहीं पाया, तब वो डेवन को एक ऑफर देता है कि मैं तेरी बहन को फिर से जिंदा कर सकता हूँ, बस उसकी जान के बदले तुझे अपनी जान देनी होगी। तो डेवन ने एक पल के लिए भी सोचा नहीं, सीधा अपना गला चीर लिया। लियोर ने भी अपनी साइड की डील पूरी की, उसकी बहन को फिर से जिंदा कर दिया और डेवन के पश्चाताप से खुश होकर उसे भी दोबारा जिंदा कर दिया, गर्दन पे HOH के सिंबल के साथ, यानी अब ये बन चुका है हाउंड ऑफ हेल, अंडरवर्ल्ड का गार्डियन, हेल का गेटकीपर। अब ये लोगों को आफ्टर लाइफ में लेकर जाएगा, कुछ इस तरह ये बनता है हमारा नरेटर। अब ये हुड की कहानियां बताएगा उन लोगों की कहानियां जिन्हें ये आफ्टर लाइफ में लेकर गया, और इसके साथ रहता है इसका डीमन सर्वेंट हाफ पॉइंट। तो पहले टेल का नाम है क्रॉस्ड आउट। ये कहानी है पोजी नाम की एक ग्राफिटी आर्टिस्ट की, जिसे गैंग मेंबर्स से सख्त नफरत है, क्योंकि जब ये छोटी थी तब इसके डैड ने इसकी माँ को गोली मारकर अपने आप को भी खत्म कर लिया था। उसके बाद से चर्च ने इसे रेस किया। अब गुस्सा दिखाने के लिए ये गैंग्स के एरियाज में जाकर उनकी दीवारों पर अपना नाम लिखती है, और ये बड़ा सीरियस मैटर माना जाता है। सैन एंड्रियास खेल लिया तो पता ही होगा, किसी दूसरे का टैग मिटाकर अपना टैग ऊपर बना देते हैं। तो एक दिन इसी बात को लेकर तीन गैंग मेंबर्स पोजी के पीछे गए, फैट कैप, स्ट्रीक और निब। ओजी उनसे बचती फिर रही थी कि तभी एक अजीब से आदमी ने उसे पकड़ लिया। ये भी एक हाउंड ऑफ हेल है डेवन की तरह, रोल किया है डैनी ट्रेहो ने। पोजी को बेहोश करके वो अपने अड्डे पर ले गया, जहां पर उसने पोजी के राइट हैंड पर एक टैटू बनाकर उसे कुछ पावर दे दी, लेकिन पोजी को अभी उस पावर के बारे में नहीं पता। अगले दिन वो फिर से उसी ब्लॉक में गई और फैट कैप के नाम के ऊपर उसने क्रॉस बना दिया अपने राइट हैंड से, जिसके बाद हुआ ये कि फैट कैप एक हादसे का शिकार हो गया। अपनी पैंट खोल रहा था और पॉकेट के अंदर गन लगा रखी थी, तो जल्दबाजी में गलती से ट्रिगर दब गया, गोली चल गई, अंदरूनी डैमेज हो गया, जिस वजह से वहीं के वहीं मर गया। यानी पोजी के पास लाइफ और डेथ के ऊपर की पावर आ चुकी है, अब देखना यह है कि वो इसे यूज कैसे करेगी। अगले दिन उसे चर्च में बुलाया गया, जहां पर फैट कैप के पेरेंट्स भी थे। जब ये बात पता चली कि फैट कैप मर चुका है, तब उसे एहसास हुआ कि इस टैटू में कोई पावर है। पोजी को पैस्टर चार्ली ने बुलाया। असल में पैस्टर ने पोजी को एक काम दिया था, लोकल हाई स्कूल की खाली पड़ी दीवार पर फ्लावर्स का एक म्यूरल बनाने का, ताकि बच्चों को थोड़ी पॉजिटिविटी मिले, लेकिन पोजी ने अभी तक नहीं बनाया। ऐसे अच्छे कामों की तरफ इसका हाथ चलता ही नहीं, अब भी बिना कोई जवाब दिए चली गई। उसने सोचा कि फ्लावर्स तो बाद में देखे जाएंगे, अभी पावर आई है तो इसका कुछ यूज ही कर लेते हैं, गैंग मेंबर्स का सफाया ही कर देते हैं। तो अगला क्रॉस उसने बनाया स्ट्रीको के नाम पे। स्ट्रीको भी एक भयानक हादसे का शिकार हो गया, दारू की बोतल चुरा कर लाया था, उसे बोतल के ऊपर गिर पड़ा तो बोतल मुंह में घुस के आर पार हो गई, बोतल उसे पी गई। फिर अगला क्रॉस मारा निब के नाम पर, तो निब का भी कुछ वैसा ही हाल हुआ, किसी को फोन लगा रहा था, टेलीफोन वायर गले पे ऐसी फंसी कि गला बचा ही नहीं। उन तीनों को ठिकाने लगाने के बाद भी पोजी रुकी नहीं, एक के बाद एक क्रॉस मारे जा रही थी, गैंग मेंबर्स मरते जा रहे थे, लेकिन जो काम उसे सौंपा हुआ था वो अब तक नहीं किया। सुबह म्यूरल अनवील करना था, तो रात में फाइनली पोजी उस दीवार पर पहुंची, लेकिन फूल बनाने के बजाय अपना नाम लिखने लगी। बस तभी वो गेटकीपर गुस्से में प्रकट हुआ और उसने पोजी को दूर फेंक कर मारा कि गैंग मेंबर्स को खत्म करके उन्हीं की लेगेसी को आगे बढ़ा रही है, और बात तो सही है।
ओजी कहती है कि तुमने इसलिए तो पावर दी थी कि मैं गलियों को साफ कर दूं, तो अब क्यों गुस्सा हो रहे हो। लेकिन पावर इसलिए दी ही नहीं थी, ये तो अपनी पर्सनल खुंदस निकाली इसने अब तक। जिस काम के लिए पावर दी थी वो यही था कि इस दीवार पे फ्लावर बनाने, उससे पूरे नेबरहुड में पीस और हारमोनी आ जाती। लेकिन इसने ऐसा ना तो किया और ना ही सोचा, बस एक ही दिशा में इसका दिमाग चलता रहा, पर्सनल भड़ास में। और उसी वजह से अब इसकी ईगो गैंग मेंबर से भी ऊपर हो चुकी है, गैंगस्टर्स भी फेल कर दिए इसने। अब क्योंकि ये भी उन्हीं की लेगेसी फैला रही है तो इसका हाल भी तो वही होना चाहिए ना जो उनका हुआ। गेटकीपर ने एक ही झटके में टैटू वापस ले लिया और फिर तीनों गैंग मेंबर्स को वापस बुला लिया ताकि वो पोजी को सबक सिखाएं। उन्होंने भी बिना कोई टाइम वेस्ट किए पोजी का स्प्रे गन उसकी खोपड़ी में घुसा के दीवार को उसके खून से रंग दिया। फिर अगली सुबह जब पेस्टर ने वो म्यूरल अनवील किया तो खूब तालियां बजी, क्योंकि फ्लावर्स दीवार पे बने हुए थे लेकिन पेंट से नहीं, पोजी के खून और बचे कुचे चीथड़ों से। उसकी आंख तो डेवन ही उतार कर खा गया। पोजी को डेवन अपने साथ ले गया लिफ्ट में। इसी के साथ ये टेल एंड हुई। तो इसमें मोरल यही था कि पावर के नशे में अंधे ना हो जाओ और ऐसा तो बिल्कुल मत सोचो कि जो हूँ मैं ही हूँ, टाइम पलटते देर नहीं लगती। सेकंड टेल का नाम है दी स्कम लॉर्ड। ये कहानी है टैक्स जूनियर नाम के एक रेसिस्ट आदमी की, जो अपनी रेसिस्ट गर्लफ्रेंड टिफनी के साथ एक पुराने से घर में पहुंचा है जहां पर चार वॉर हीरोज रहते हैं, रॉस्को, जैक्सन, स्टीवंस और वैंस। टैक्स जूनियर के फादर टैक्स वुड सीनियर इन चारों सोल्जर्स के कमांडिंग ऑफिसर थे वियतनाम वॉर में। उस तभी से ये चारों उनके पक्के दोस्त बन गए, बल्कि फैमिली मेंबर्स बन गए। अब ये उन्हीं के घर में रहते हैं, यानी ये घर टैक्स जूनियर के डैड का है और इन चारों का पूरा खर्चा इसके डैडी उठाते हैं, या कहूं के उठाते थे क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी है। हालांकि खर्चा जैसे चलता था वैसे ही चलता रहेगा। टैक्स सीनियर के विल के मुताबिक जायदाद में से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा टैक्स जूनियर को मिलेगा, लेकिन वो भी ऐसे नहीं मिलेगा। अगर इसे अपना हिस्सा चाहिए तो पहले एक साल इन चारों सोल्जर्स के साथ रहना होगा ताकि इसके बर्ताव में सुधार आए, और अगर ये एक साल इनके साथ नहीं रहता तो इसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर चारों सोल्जर्स की मौत हो गई उस केस में पूरी जायदाद इसकी हो जाएगी। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि ये पूरी जायदाद अपने नाम कराने आया है, ना कि एक साल बिताने। अब ये मेक श्योर करेगा कि चारों सोल्जर्स मर जाएं, यहाँ तक कि अपने डैड को भी खुद इसी ने मारा कार से ठोक के, जब इसे पता चला कि पूरी जायदाद इसके नाम नहीं की गई। अब आप खुद ही देख लो कि ये कैसा करेक्टर है और अपने स्वार्थ के लिए ये किस हद तक जा सकता है। उन चारों की अब खैर नहीं, वो तो इसके डैड के आभारी हैं, तो डैड का नाम लेकर ये उनसे कुछ भी करवा सकता है, एहसान के बदले वो करेंगे ही। तो सबसे पहले टैक्स ने उन्हीं के हाथों उनके बेडरूम्स तोड़वाए और फिर बेडरूम्स की जगह एक आलीशान सा मास्टर बेडरूम बनवाया अपने और टिफनी के लिए, वो भी उन्हीं से। पेंटिंग वगैरह सब काम उन्हीं से करवाया। फिर उन चारों को धकेल दिया बेसमेंट में, अब से वही उनका बेडरूम। इसके अलावा उनके राशन में कटौती कर दी ताकि वो भूख से मर जाएं, और साथ ही घर की हीटिंग के बिल भरने बंद कर दिए ताकि बीमार होकर मर जाएं। और ये दोनों तरीके काम कर रहे थे। वो चारों कमजोर होते जा रहे थे, साथ ही बीमार भी। सबसे बुरा हाल स्टीवंस का था। सोल्जर्स की केयर टेकर वैंडा को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। टैक्स ने उसे भी जॉब से निकालने की धमकी दे रखी थी, इसलिए वो चुप थी। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तब उसे बोलना पड़ा, और बोलने की सजा उसे ये मिली कि टैक्स और टिफनी दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। उसी रात स्टीवंस की खांसी में खून आने लगा तो मजबूरन रॉस को टैक्स के पास पहुंचा उससे मदद मांगने, और तब वो देखता है कि टिफनी अपने डॉग को कैवियर खिला रही थी, एक लग्जरियस आइटम, और ये भूखे मर रहे हैं। टैक्स ने मदद करने से साफ मना कर दिया। तब रॉस को उनके फ्रीजर के पास पहुंचा कि जब कुत्ते को इतना महंगा सामान खिला रहे हैं तो और भी चीजें स्टोर कर रखी होंगी, और एक तरह से ये सच ही था क्योंकि जब फ्रीजर खोला तो उसमें पड़ी थी वैंडा की लाश और ढेर सारा कैवियर। वापस अपने साथियों के पास जाता है तो देखता है कि स्टीवंस भी दम तोड़ चुका, टैक्स लिमिट से काफी आगे बढ़ चुका है, इसलिए अब ये उसे सबक सिखाएंगे। स्टीवंस और वैंडा का बदला तो लेंगे ही, साथ में अपने साथी टैक्स सीनियर का भी। उन्होंने जाकर टैक्स को काबू किया, फिर थोड़ा वाटर टॉर्चर देने के बाद स्टीवंस की व्हील चेयर पर बैठाकर उसे ऊपर ले गए, जहां पर वो देखता है कि टिफनी का पेट एकदम फूला हुआ था क्योंकि उसे जबरदस्ती ठूस ठूस के कैवियर खिलाया गया है, जो कि उसके लिए वैंडा और स्टीवंस की लाइफ से ज्यादा कीमती था। अब रॉस को टैक्स को चॉइस देता है कि तुम दोनों में से कोई एक ही इस रूम से जिंदा बाहर निकलेगा, चूज करो वो कौन होगा। ऑब्वियसली टैक्स ने खुद को चुना, इसलिए रॉस्को ने वैक्यूम का यूज करके और कैवियर टिफनी के अंदर ठूस दिया, जिस वजह से आखिर में उसका पेट फट गया और वो मारी गई। फिर भी रॉस्को ने कैवियर वेस्ट नहीं किया, उसे कुत्ते को खिला दिया। अब जैसा कि रॉस्को ने प्रॉमिस किया था, इनमें से एक पर्सन इस रूम से जिंदा बाहर निकलेगा, वो है टैक्स। हालांकि इस रूम से तो जिंदा निकल जाएगा, लेकिन निकलने के बाद
जिंदा बचेगा ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं था। रॉस्को ने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल कर सेम वैसे ही मौत दी जैसे उसने अपने डैड को दी थी। फिर डेवन टैक्स और टिफनी को भी अपने साथ लिफ्ट में ले गया और इसके बाद इन तीनों के क्रिसमस पार्टी में शामिल भी होने आया, लेकिन आते उसने टिफनी के कुत्ते को गोली से उड़ा दिया ये बोलकर कि हुड में कुत्ते अलाउड नहीं। बस इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। इसमें मोरल यही था कि लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज हानिकारक ही साबित होती है। हद से ज्यादा किसी को डराओगे वो डरना ही भूल जाएगा, हद से ज्यादा किसी को दबाओगे वो दबना भूल जाएगा। कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोलना नहीं जानता। थर्ड टेल का नाम है रैप्सोडी एस्क्यू। ये कहानी है मार्टिन नाम के लड़के की जो एक कामयाब रैपर बनना चाहता है, इसके अलावा उसे और कुछ नहीं करना। उसका स्टेज नेम भी सॉर्ड है, सक्सीड और डाई। एक दिन वो चर्च में बैठा गॉड से प्रे कर रहा था कि प्लीज मुझे कामयाब कर दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा, हमेशा सेवा करूंगा, अपने आप को पूरी तरह चेंज कर दूंगा, बस एक बार मेरा नाम हो जाए। तभी बाहर से एक बॉल उसके पास आकर गिरती है। वो बॉल थी क्वान नाम के लड़के की जो इत्तफाक से म्यूजिक प्रोड्यूसर निकला। दोनों की बातचीत हुई, दोनों साथ बैठे ऐसी साथ में जैमिंग करने लगे, गाने बनाने लगे और देखते देखते अंडरग्राउंड सीन में दोनों फेमस हो गए। हुड के अंदर उनके गाने बजने लगे, लेकिन सॉर्ड के लिए ये कामयाबी नहीं थी, उसे और आगे जाना था। यहाँ से हम सीधा कुछ साल आगे आ जाते हैं जब सॉर्ड हद से ज्यादा फेमस हो चुका है। अब इसके पास हर एक चीज है, नाम, फेम, मनी और यही से चाहिए था, लेकिन ये सब अचीव करते ही ये गॉड से किया प्रॉमिस भूल चुका है, बल्कि एकदम उसके उलट हो चुका है। खुद को सबसे ऊपर समझने लगा है, सबसे अकड़ के बात करता है, यानी कुल मिला के सक्सेस को हजम नहीं कर पाया। खैर सॉर्ड तो फेमस हो चुका है, लेकिन अब कौन इसके साथ दिखाई नहीं देता क्योंकि वो मर चुका है। फिर भी सॉर्ड चाहे जहाँ भी जाए कौन को हमेशा याद करता है क्योंकि वो इसका बेस्ट फ्रेंड था। अगर वो ना होता तो ये भी यहाँ तक ना पहुँच पाता, लेकिन लोग तो शक करते ही है कि इसने कौन को रास्ते से हटा दिया क्योंकि सारा फेम इसे अकेले को चाहिए था। अब भी ये एक अवार्ड लेने पहुँचा है तो वहाँ भी इसके साथ सेम हुआ। एक आदमी बोलने लगा कि कौन के बिना तू कुछ भी नहीं, जिससे ये भी आग बबूला उठा। वो तो इसके बॉडीगार्ड जर्सी ने इसे संभाला वरना पता नहीं क्या कर देता। और ये सब देख रही थी एक और हाउंड ऑफ हेल क्लारा, लिंशे है आप सब जानते हो, इंसिडियस वाली एलिस। सॉर्ड अपने वीआईपी रूम में पार्टी करने लगा तो क्लारा वहीं पर आ गई और उसके आते ही पूरा रूम खाली। उसने दरवाजा बंद करके दरवाजा ही गायब कर दिया। अब सॉर्ड कहीं नहीं जा सकता। क्लारा उसे कहती है कि तूने गॉड से किया प्रॉमिस तोड़ा, तुझे तो रोल मॉडल बनना था ना, अब चुपचाप बैठ और पिछले साल की ये वीडियोस देख। वैसे तो क्लारा बड़े प्यार से पेश आ रही थी, लेकिन सॉर्ड पूरी अकड़ में था तो थोड़ा सा सख्त बर्ताव उसे अपनाना पड़ा। पहली वीडियो में दिखाया जाता है कि सॉर्ड और क्वान एक लेबल के मालिक से मिले थे जो इन्हें साइन करना चाहता था, लेकिन सॉर्ड ने उसके सामने डिमांड रख दी थी कि मुझे मोटी मोटी चेंज चाहिए, एक मर्सिडीज बेंज चाहिए पैसे से अलग, वही के मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मुझे साइन करना है तो सब कुछ मानना पड़ेगा, जबकि इसके जैसे रोज आते जाते हैं। सॉर्ड ने मालिक के साथ काफी बदतमीजी से बात की, जिसके बदले वो सॉर्ड को उसी वक्त खत्म भी कर सकता था, वो तो क्वान ने बात संभाल ली। मालिक ने क्वान को ऑफर दिया कि तुम सोलो आ जाओ, सॉर्ड की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्वान ने ये डील ठुकरा दी। उसके लिए सॉर्ड उसकी फैमिली से बढ़कर था, उससे आगे निकलना या उसके बिना आगे बढ़ना क्वान को मंजूर नहीं था। जाएंगे तो साथ जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। अगली वीडियो में दिखाया जाता है कि सॉर्ड कई सारे गलत काम करने लगा था, जैसे अंडर एज लड़कियों के साथ सोना। और जब ये खबरें अखबार में आती तो क्वान सॉर्ड को काफी समझाता कि ये सब मत कर, लेकिन सॉर्ड का तो बस यही कहना था कि पब्लिसिटी हो रही है, अच्छी है या बुरी उससे फर्क नहीं पड़ता, नाम तो हो रहा है ना। क्वान सोचता था कि म्यूजिक बना के फेमस होंगे, लेकिन सॉर्ड को बस फेमस होना था चाहे कैसे भी होना पड़े। तो यहीं पे आती है आखिरी वीडियो जिसमें दिखाया गया कि क्वान कैसे मरा था, क्योंकि क्वान के मरने से ही सॉर्ड फेमस हुआ था। एक रात सॉर्ड क्वान को एक स्टोर पर लेकर गया था और जैसे ये दोनों अंदर गए स्टोर में एक रॉबर आ गया। उस रॉबर ने सीधा क्वान के माथे में गोली मारी और एक गोली सॉर्ड को भी मारी, लेकिन शोल्डर में। सारा मामला क्लियर है, लेकिन सॉर्ड के मुंह से सच निकलवाने के लिए क्लारा ने क्वान को बुला लिया और फिर दोनों को अकेला छोड़कर खुद वहां से चली गई। क्वान आकर रिवील करता है कि जो स्टोर वाली रॉबरी थी वो सब सेटअप था क्वान को मरवाने के लिए, जो किया था खुद सॉर्ड ने। उस रात सॉर्ड ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी इनकेस रॉबर का निशाना चूक जाए तो, और वो रॉबर और कोई नहीं बल्कि इसका बॉडीगार्ड जर्सी था जो नाम लेते ही रूम में आ गया। लेकिन क्वान उसे दिखाई नहीं दे रहा था तो क्वान ने तो चाकू उठाए और सीधा जर्सी की आंखों में घुसा कर उसे मार डाला। फिर वो चाकू सॉर्ड ने उठा लिए क्वान को मारने के लिए, लेकिन एक आदमी को कितनी बार मारेगा, बल्कि चाकू उठाकर वो फंस गया। देखने वालों ने यही सोचा कि सॉर्ड ने जर्सी को मार डाला, यानी अब करियर खत्म। ये एहसास होने के बाद भी सॉर्ड को कोई पछतावा नहीं था, उसके मुताबिक जो उसने किया सब ठीक किया, अब उसका नाम ऐसा बन चुका है कि कोई भूलेगा नहीं। ये भी एक और
गलतफहमी। अपने नाम के अनुसार उसने काम किया, गन लेकर बाहर निकला और पुलिस के ऊपर गोलियां बरसाने लगा कि ग्लोरी के साथ मरूंगा, तो पुलिस ने एक ही पल में उसकी इच्छा पूरी कर दी उसे जिंदा भूनकर। फिर डेवन अपने सेवक डीमन के साथ आकर उसे भी लिफ्ट में ले गया और वो लिफ्ट पहुंची सीधा हेल में, जहाँ से डेवन ये कहानियां सुना रहा है। जाते जाते डेवन बताता है कि इन सब के पास अच्छा करने का पोटेंशियल था, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए इन सब ने गलत रास्ता चुना। तो आप सब भी सोच समझ के रास्ता चुनना, वरना लिफ्ट में जाना पड़ेगा। ये हो गया फाइनल मोरल। बस इसी के साथ ही मूवी खत्म हो गई। तो ऐसी हुड वाली मूवीज मैं काफी देखता हूँ, हॉरर के अलावा और भी, क्योंकि मैं इनका म्यूजिक भी फॉलो करता हूँ काफी पहले से। इनमें हुड वाला जीवन दिखाया जाता है, जो कुछ भी वहाँ का लाइफस्टाइल है, और हुड वाली मूवीज में जब हॉरर मिक्स होता है तो और मजा आता है। टेल्स फ्रॉम द हुड याद ही होगी। ऐसी मूवीज में देखा जाए तो फ्राइडे और ट्रेनिंग डे मुझे काफी पसंद है, आप भी ट्राई करना। इस मूवी की बात करें तो ये सिर्फ एक फन मूवी है, इससे आप कुछ लेसन ले सकते हो, इसके अलावा अच्छे खासे इफेक्ट देख सकते हो, लेकिन एक्टिंग और डायरेक्शन इसमें कुछ खास देखने को नहीं मिलेंगे, उनकी उम्मीद मत करना। बस चिल करने के लिए देखनी है तो देख सकते हो। इसका बजट $5 मिलियन था और कमाई हुई $25,900, क्योंकि ये ठीक से रिलीज नहीं हुई थी। इसके अंदर जो एनिमेटेड सेगमेंट था वो बनाया जापानी स्टूडियो मैड हाउस ने, जिसका बहुत बड़ा नाम है। डेथ नोट, परफेक्ट ब्लू, ऐसा बहुत कुछ बना चुका है ये स्टूडियो, तो इसमें भी काफी सही काम किया। बाकी मूवी के अंदर स्नूप डॉग का गाना भी है मूवी के बारे में, वेलकम टू द हुड, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, पूरी मूवी की स्टोरी है उसमें। बाकी तीनों में से आपकी फेवरेट टेल कौन सी रही कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना, और ऐसी और यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन सही रास्ता चुन ले। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।